तो खैर चीजें बदल गई। पहले क्या होता था गांव देहात में, हमने देखा है खूब खूब नहीं, किसी हद तक थोड़ा बहुत हमें याद है, थोड़ा बहुत याद है कुछ कि चौराहों पर बैठकों पर बैठ जाते थे लोग चौकड़ी लगाकर, और वहां पर क्या होता था बग्गी बाग खेल रहे, है नहीं होता था नहीं ऐसा, ताश के पत्ते खेले जा रहे, चौकड़ी लगी हुई है, ताश के पत्ते चल रहे, बग्गी बाग चल रहा है, अब भी चल रहा है नहीं, बच्चे बच्चे तुम लोग समझते हैं कि जी ताश खेलने में क्या दिक्कत है, पैसे लगाने में दिक्कत है, जुए में दिक्कत, और नौजवान तबका मोबाइल पे आजकल दना दन लूडो खेल रहा है, आईपीएल पे टीमें बना रहे हैं, ये बहुत चल रहा है आजकल, ये सट्टा है सट्टा, जुआ है जुआ, समझ रहे हो? ये नए नए तरीके निकले हैं जुए के। अच्छा ये जो जुआ है ना किसका काम है जानते हो? मैं तुम्हें कुरान सुना, मेरी मत मानो ना ना, इनकी भी मौलाना की किसी मौलवी की मत मानो, जिसने पैदा किया है जो खिलाता है उस रब की मानो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम والأزلام رجس من عمل الشيطان। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया ओ जुआ खेलने वालों, शराबे पीने वालों, अल्लाह ने खुले तौर पे ऐलान कर दिया ये जुआ शराब शैतान के काम है। मिन अमली शैतान, किसके काम? जोर से बोलो किसके काम है? वही शैतान जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन, छुपा हुआ नहीं, खुला हुआ दुश्मन। अल्लाह ताला ने तो बता दिया इन शैतान, अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज दे दिया, बता दिया कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो खुले दुश्मन से बचना जरूरी है, खुले दुश्मन की चालों को समझना जरूरी है। शैतान तो चाहता है तुम्हें गुमराह करना, बुरे रास्तों पे डालना। अब बचना ना बचना तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी। शैतान तो बुराइयों के रास्तों पे लेकर ही जाता है, शराब का तुम्हें मशवरा शैतान ही तो देता है, जुए का मशवरा कौन देता है? शैतान ही तो देता है। कहता पी ले कुछ नहीं होता, और सुनो इधर देखो, इधर इंसान की शक्ल में भी देता कभी शैतान मशवरा, वो किसी भी इंसान की शक्ल में हो सकता, दोस्त की शक्ल में, महल्ले वाले की शक्ल में आके कहेगा क्या हुआ कुछ नहीं होता, एक घूंट बियर का मार ले कुछ नहीं होता, जैसी कहे समझ लेना शैतान है, खुला वाला दुश्मन। जब दोस्त कहे 100 लगा ले सट्टे में 1000 मिल जाएंगे, बाजी जीत जाएगा, समझ लेना आ गया शैतान। अगर शैतान की मानोगे तो बर्बादी ही बर्बादी, इधर भी बर्बादी, कब्र में भी रुसवाई बर्बादी, आखिरत में भी रुसवाई और बर्बादी। ये जो लोग समझते हैं ना क्या, बिल्कुल यकीनन बात सच्ची है, मैंने आपको अल्लाह के फजल उसकी अताएं उसकी नेमतें उसकी रहमतें रहमतें बता रहा हूं ना मैं, कर्म करने वाला फजल फरमाने वाला। मगर ये भी याद रखना अल्लाह करीम है, रहीम है, रऊफ है, गफूर है, मगर कानून भी उसी खुदा का है।
कानून भी उसी परवरदिगार का, जन्नत भी उसी ने पैदा की, जहन्नम भी उसी ने पैदा की, जन्नत की बहारें उसी ने बनाई, जहन्नम का अजाब भी उसी ने बनाया, फरमा दिया जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम में उन्हें बड़ी खतरनाक आवाजें सुनाई देंगी, वो जहन्नम के शोलों की आवाजें, जहन्नम की दहकते हुए शोलों की खतरनाक आवाजें होगी। फरमाया गया जहन्नमी उन आवाजों को सुनेंगे, उन आवाजों को सुनकर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, मगर जन्नतियों का मकाम ये मेरे प्यारे, जब जन्नती पुल सिरात से गुजरेंगे, नीचे जहन्नम के शोले होंगे, ऊपर पुल सिरात पे ये गुजर रहे होंगे जन्नती, मगर अल्लाह का फजल ये होगा इन्हें जहन्नम की कोई आवाज नहीं आएगी, जन्नतियों को जहन्नम की कोई खतरनाक आवाज नहीं आएगी, ये जन्नती जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ये जन्नत की तरफ जाएंगे। मेरे अजीजों गौर करो, जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह का नाम है, अल्लाह की पनाह मांगते रहो, मौत की तैयारी मरने से पहले कर लो, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया, ताजदारे बरेली ने ऐलान कर दिया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान जा, आज वक्त है, आज अपने आप को बदल डालो। बात लंबी हो रही है, जल्दी खत्म करता हूं, जहमतें तमाम कर रहा हूं, सुने, एक नेकी कम पड़ गई तो इसे ख्याल आया कि कौन देगा, वो जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार कर, प्यार के दावेदार हूं, प्यार किया हो जिन्होंने। इसने सोचा मेरी माँ ने मुझे बड़ा प्यार किया, माँ के पास जाता हूँ, माँ के पास गया, जाकर कहने लगा माँ एक नेकी दे दे। कितनी नेकियां? मुझे आवाज कम आ रही है। एक नेकी। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। समझ रहे हो? अम्मा से जाके कहने लगा अम्मा एक ने की दे दे, माने का बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, दुनिया नहीं है। वो दुनिया थी अपने लिए, कभी दामन नहीं फैलाया, हमेशा तेरे लिए मांगा, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों तमन्नाओं का गला घोंट दिया, मगर तेरे लिए सब कुछ किया। कहती है बेटा ये दुनिया नहीं है, उधर जो करना था सब कर दिया, इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, मेरे पास अगर नेकियां कम पड़ गईं फिर मेरा क्या होगा, मुझे तो अपनी फिक्र है, तू अपनी देख, मुझे अपनी पड़ी है। इसने कहा अम्मा ने नहीं सुनी तो चलो अब्बा के पास चलते। अब्बा के पास बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, गांव देहात में लोग जो है ना, वो आजकल ट्रेंड जो चल रहा है ना, हंसी मजाक वाला, चुटकुलो लतीफो वाला, वही सुनना चाहते हैं। अच्छे नौजवान मिले हैं, अच्छे लोग हैं जो अच्छी बातें बड़े कायदे से सुन रहे हैं। अरे भैया हंसी मजाक ही देखनी है तो फिर थोड़ी कॉमेडी हो रही है, सांग तमाशे कम हो रहे हैं दुनिया में, नबी को मिलाद करके उसमें भी फिर हंसी मजाक ही हुई तो फिर क्या फर्क रह गया किसी कॉमेडी शो में, किसी सांग तमाशे में और जलसे में क्या फर्क रह गया? फर्क भी तो होना चाहिए ना। कहीं कहीं आपको कोई बात अगर हाँ ठीक है कोई आलिम बयान के दौरान कह दे, इसलिए कि आप थोड़ा मुस्कुरा जाएं, फ्रेश हो जाएं और आपकी नींद भाग जाए, सुस्ती दूर हो जाए, वो एक अलग चीज है, मगर पूरे ही जलसा हंसी मजाक में निकल जाए वो गलत है। नहीं, कुछ पैगाम लेके जाएं। अब्बा के पास गया जाके कहने लगा अब्बा एक नेकी दे दो, एक कम पड़ गई। अब्बा कहने लगे बेटा ये दुनिया नहीं है,
ये महशर दुनिया नहीं है बेटा, अगर मैं तुझे इधर नेकी दूंगा कैसे दूं, मुझे तो अपनी फिक्र लगी है। अब्बा ने भी मना कर दिया। अब बड़ा परेशान है, भाई के पास गया, कहने लगा भाई तू तो मुझ पर जान छिड़कता था, किसी ने मुझे अगर आंख उठाकर देख लिया तू उससे लड़ाई करता था, मेरी खातिर झगड़ा करता था, तू मुझे एक नेकी दे दे। भाई ने भी मना कर दिया। ये दोस्त जो रात को 12-12 बजे तक चौराहों पे दोराहों पे बिठा के रखते हैं, जिन्होंने रात का उल्लू बना दिया है, यही दोस्त उधर जब मिलेंगे ये दोस्तों से कहेगा मेरे दोस्तों तुमने मुझे रात को 12 बजे बुलाया, मैं आया, मैंने अम्मा की नहीं सुनी, अब्बा की नहीं सुनी, बस तुम्हारी आवाज को सुन के आ गया, तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा रहा, तुम्हारी दोस्ती की बातें करता रहा, तुम्हारी दोस्ती पे फख्र करता रहा। ऐ मेरे दोस्तों आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, एक नेकी की जरूरत है, एक दे दो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। दोस्तों ने कहा ये दुनिया नहीं है, इधर कोई नेकी वेकी नहीं मिलेगी, इधर कोई नेकी का मामला नहीं है। कहने लगे इधर तो हमें अपनी फिक्र लगी है। अब ये बड़ा परेशान है। ऐ लोगों कल परेशान होने से पहले आज जरा सोच लो, क्योंकि अल्लाह ने मौका भी दिया, सोचने का वक्त भी दिया, और कुरान में अल्लाह ने बता भी दिया। अल्लाह ताला ने उस मंजर को कुरान में पहले बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई न दोस्त न रिश्तेदार काम आएंगे। कौन काम आएगा? सारा प्यार सारी मोहब्बतें सब दुनिया में रह गई, सारी मोहब्बतों ने दुनिया में दम तोड़ दिया। हाँ एक मोहब्बत साथ जाती है, और वो मोहब्बत मदीने के ताजदार की मोहब्बत है। हाय नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार की आमद, नारे हैदरी। है कोई महशर में काम आने वाला? ये इधर जो बड़े बड़े अमीर ताकत वाले सरवत वाले जाहो हशम वाले जाहो जलाल वाले कुर्सियों इख्तदार वाले फूले नहीं समारे, गर्रा इस कदर है अकड़े हुए हैं। याद रखना कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। होता है भाई, हल्का हवा का झोंका आता है। कभी कभी पके पके हुए फल टहनी पे रह जाते हैं, कच्चे नीचे आ जाते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं, पके नीचे आ जाते हैं। ये तो हो गई एक बात। मगर कभी कभी मौसम की तलखी ये भी जलवा दिखाती है, कच्चे पक्के सारे के सारे एक साथ धड़ा। नहीं हुस्न पे नहीं इतराना, ताकत पे नहीं इतराना, दौलत पे नहीं इतराना। मैंने बार बार यही बात दोहरा लूं। क्यों? क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला जब ये कायनात फना हो जाएगी ना पूरी, मैं आपको कोई दुनियावी किताबों की नहीं सुना रहा, अल्लाह की किताब कुरान की बातें सुना रहा हूं। फरमाया गया कुल्लु मन अलैहा फान ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام। अल्लाह ने फरमाया एक दिन वो आएगा कायनात सारी फना हो जाएगी, बाकी जात रहेगी तो फकत अल्लाह की। किसकी जात बाकी रहेगी? जोर से बोलो कौन बाकी? अल्लाह बाकी, अल्लाह की जात बाकी।
फिर जब सारी कायनात फना हो जाएगी तो अल्लाह ताला मैशर में सबको जमा करके पूछेगा। अल्लाह उस दिन फरमाएगा, ओ ताकत वालो, दौलत वालो, माल वालो, जमीन वालो, बड़ा अकड़ते थे, मगर अल्लाह उस दिन पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। 50,000 साल का दिन, 50,000 ईयर, 50,000 साल का दिन है। अल्लाह फरमाएगा ए दौलत वालों खड़े हैं सारे, ए माल वालों, 100 बीघे पे तराता था, 50 बीघे पे अकड़ता था, गरीब को बड़ा मारता था, विधायक बन गया था, बहुत इतराता था, फिर धानी मिल गई थी, फूले नहीं समाता था, जुल्म करता था, जरा सी प्रधानी पे बहुत इतराया, बहुत जुल्म किए, मगर आज बता अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज के दिन का मालिक, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। किसी में हिम्मत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी, डर के मारे कांप रहे होंगे, सहमे हुए होंगे, किसी की जबान नहीं खुलेगी। हैबत और जलाले खुदाबंदी का ये आलम, सबके सब घबराए परेशान खड़े होंगे, किसी में जुर्रत नहीं बोल सके, फिर खुद अल्लाह ऐलान करेगा। अल्लाह फरमाएगा, परवरदिगार फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अल्लाह फरमाएगा आज के दिन का मालिक तुम्हारा खुदा वाहिद है, जो वाहिद है वही वाहिद खुदाए कहार है। वो सबने साथ छोड़ दिया, नेकी नहीं मिली। अब इसने सोचा भैया काम तो बनने वाला है नहीं, नेकी नहीं तो जन्नत नहीं। इसने सोचा क्या करें, मायूस हो गया, सर झुकाया, चल दिया। कहाँ, इसने कहा जन्नत तो मिलने वाली है नहीं, तो चलो जहन्नम में चलते। बस सर झुकाया, जहन्नम की तरफ चल पड़ा। जा रहा था जहन्नम में, रास्ते में एक आदमी मिल गया। तवज्जो से सुनना भी ये बात है। जहन्नम की तरफ जा रहा था, एक और आदमी मिल गया। 25,000 का नजराना लेता हूं तब भी इतनी देर तकरीर नहीं करता, ये आपकी मोहब्बत है, आप सुन रहे हो तो मैं बोल रहा हूं। जहन्नम की तरफ जा रहा है एक आदमी और मिला। उसने कहा क्या हुआ, कैसे चेहरा उतरा हुआ है, कैसे मायूसी है। कहने लगा क्या करूं, जहन्नम में जा रहा हूं इसलिए मायूसी। कितनी नेकियां कम रह गई, कम मायूसी की वजह तो यही है, ज्यादा कम नहीं थी, फकत एक नेकी कम थी, एक कम पड़ गई, इसलिए दोजख में जा रहा हूं। तो इसने कहा अपनी किस्मत पर नाज कर, तेरे पास नेकियां बहुत थी, बस एक ही तो कम पड़ी। एक कम पड़ी ना, इसका मतलब थी खूब, एक ही तो कम पड़ गई। कहने लगा जरा मुझे भी तो देख ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ गुनाह, सिर्फ गुनाह। का एक भी नेकी नहीं तेरे पास, का तुझे एक कम पड़ गई, मेरे पास एक के अलावा दूसरी कोई नेकी नहीं। कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई, मेरे पास एक के अलावा दूसरी कोई नेकी नहीं। कहने लगा एक नेकी से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी मेरे तो काम नहीं आ सकती, मैं तो जहन्नम में इधर गया, नेकी भी जाया खत्म, मगर एक नेकी तेरा बड़ा काम कर सकती है, तुझे मिल जाए तू जन्नत में जा सकता है। ले एक नेकी मेरी ले ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला एक नेकी से। कहने लगा एक नेकी लेकर तू तो कम से कम जन्नत में चला जा, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला।
ये बड़ा खुश हो गया, एक नेकी उससे ली, वापस अल्लाह की बारगाह में आ गया। या अल्लाह में नेकी लेके आ गया, नेकियों के पल्ले में रखी, वजन किया गया, पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा तू जन्नत का हकदार हो गया, जन्नत में चला जा। अब ये इंसान जन्नत में जाने लगा। अच्छा देखो ना कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी तकलीफ, कैसे तड़पा होगा, सब कुछ हुआ होगा ना। तब कहीं जाके एक नेकी मिली, तब कहीं जाके काम बना, अब ये जन्नत की तरफ जाने लगा। अभी जा ही रहा था, बड़ा ही था जरा आगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। इतना सुना तो कांप गया, डर गया कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से काम बना था। अब अल्लाह ताला ने फिर रोका है, न मालूम अब क्या होगा। डर लगा रहता, कुछ चोरी कर लेना, गांव में किसी और को पकड़ने आती हो पुलिस, ये पहले भागता कि यार मेरा तो नहीं है मामला, इसे पहले डर रहा है कहीं मेरा ना हो मसला। वही मसला, इसने कहा बड़ी मेहनतों से यार काम बना है, अब तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था कि जन्नत में चला जा, और अब अल्लाह ने मुझे रोक लिया, डर गया। जी परवरदिगार क्या हुक्म है मेरे मालिक। अल्लाह ताला ने फरमाया तू जन्नत का हकदार तो हो गया, जन्नत में तो जा रहा है, ओ जन्नत में जाने वाले जाने से पहले जरा ये बता दे, ये महशर है, दुनिया नहीं है, ये बता तुझे ये नेकी किसने दी है, कहां से लाया। अब एक सवाल आता है, क्या अल्लाह को खबर नहीं, अल्लाह जानता नहीं। अरे बोलो यार, अल्लाह जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। परवरदिगार आलम सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा, सारी चीजों से बाखबर, सारे मामलात से बाखबर, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। आंखें नहीं हैं मगर देखता है, कान तो नहीं है कानों से पाक है मगर सुनता है, हाथ तो नहीं है मगर उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। बोलो, उसके कंट्रोल में है पूरा निजाम कायनात का। या अल्लाह तेरे हाथ नहीं मगर तेरी ये जो पकड़ है ये कैसे। तो गोया जवाब आएगा ये मेरी कुदरत की पकड़ है। और दूसरा जवाब एक और भी मिलता है कुरान में, यदुल्लाहि फौका अईदीहिम, अल्लाह ने फरमाया मेरा हाथ तो कोई नहीं, मैं जिस्मो जिस्मानियत से पाक हूं, मगर जो मेरे महबूब का हाथ है, ये महबूब कहीं ना समझना, ये हाथ तुम्हारे खुदा का भी हाथ है। तुम्हारा खुदा जबान से पाक है मगर महबूब की जबान को कहा लिसानुल्लाह। इस पे कलमे हक जारी होता है, खुदा का कलाम जारी होता है। वो वक्त भी लोगों क्या था जब मेरे आका ने एक मुश्त खाक उठाई, काफिरों की तरफ फेंकी, पढ़ दिया हुजूर ने वो एक मुश्त खाक फेंकी, जंग का मौका था, उस खाक का फेंकना था, काफिरों को कुछ दिखाई ना दिया, नजर नहीं आया। तुम सहाबा ने आगे बढ़ बढ़ के उन पर हमले किए और जंग में जीत गए, फतह हासिल हुई, ये अल्लाह की मदद। मगर अल्लाह के कुरान ने क्या कहा, वमा रमैता,
इذ رميت ولكن الله رمى। अल्लाह का कुरान कहता है वो जो तुमने खाक फेंकी थी, वो जो तुमने फेंकी थी, इذ رميت हाँ तुमने फेंकी थी, वलाकिन अल्लाह रमा नहीं वो तुमने नहीं तुम्हारे परवरदिगार ने फेंकी थी। हाथ नहीं मगर फेंकने वाला खुदा अपने महबूब के जरिए, तो मतलब उसकी कुदरत शामिल थी। तो अल्लाह सब जानने वाला, उसकी कुदरत की ताकत अल्लाह पर। अल्लाह ने फरमाया कहां से लाया, जानता तो सब था मगर मैंने कहा ना उसकी रहमतें बहुत बड़ी हैं। अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी बहुत वसी। रहमतें हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। देखो कैसे तलाश करती हैं। अल्लाह सब जानने वाला, सब जानने वाला, हर बात से बाखबर, मगर बहाना तलाश किया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कहां से लाया नेकी, कहने लगा या अल्लाह एक आदमी था जहन्नम में जा रहा था, उसके पास एक नेकी थी उसने दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा उसे लेकर आ जा। वो ये जल्दी गया, दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा चल तुझे मेरे मौला ने बुलाया है, परवरदिगार ने बुलाया, लेकर आ गया। अल्लाह की बारगाह में दोनों आ गए। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी दी, हाँ मेरे मौला, हाँ परवरदिगारा मैंने इसको नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया कोई इधर किसी के काम नहीं आ रहा, तूने नेकी दी, क्यों दी? कहने लगा रब्बना मेरे किसी काम में नहीं आ रही थी एक नेकी, मैं तो जन्नत में ही जा रहा था, मैंने सोचा इसका काम बन जाए, कम अज कम ये तो जन्नत में चला जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इसे जन्नत में भेजने के लिए एक नेकी देकर तूने इसे भेज दिया, इसका मतलब अल्लाह फरमाता है इसका मतलब तूने मैशर में जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा तो तूने सखावत दिखाई, तूने सखावत का मुजाहिरा किया। जी परवरदिगार, तेरे परवरदिगार में तेरा आजिज बंदा जो था मैंने दे दिया, एक नेकी थी दे दी। अल्लाह ने फरमाया तूने एक देकर सखावत दिखाई है, मगर सुन ले तू बंदा होकर मैदान मैशर में सखावत दिखा रहा है, तो जरा ये बता दे कि सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बढ़कर सखावत किसकी है? कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू, सबसे बड़ी सखावत तेरी। अल्लाह ने फरमाया जब तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखा रहा है तो अब जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा, अपने रब की इनायत भी देखता जा। तूने एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बना दिया, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। रहमते हक बहानमी जोयत, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती। दुनिया के पास नेमत का जवाब नहीं, रहमत का जवाब दुनिया कहां से लाएगी? ये रब की रहमतों की वसत है। देखो ना रहमत की वसत बताते बताते बात लंबी हो गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान सुनकर सुभान अल्लाह तो बोलना चाहिए ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर तुमने अब आहिस्ता से अगर सुभान अल्लाह कहा तो समझ लो मैं तुम्हें एक घंटे और रगड़ दूंगा, और अगर तुमने जोर से सुभान अल्लाह कहा तो समझ लो पांच मिनट में काम मुकम्मल कर दूंगा। नहीं नहीं, तो मैं दो चार बातें और बताऊंगा। देखो मुझे भी रोज प्रोग्राम है। खुलूस इतना के दोनों का काम चल जाए, खुलूस इतना के दोनों का काम चल जाए,
अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। ऐसा काम कर लो कि दोनों का काम चल जाए। दुनिया के पास नेमत का जवाब नहीं, रहमत का जवाब कहां से लाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब रहमत बना के भेजाए, अल्लाह की खास रहमत बन के हुजूर आए, तो शान क्या दी अल्लाह ने। फरमाया लकद जाअकुम रसूलुन मिन अन्फुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीस हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हम सब के सब इंसान हैं। कौन है? जो इंसान है बस वही बोलेंगे। कौन है हम सब इंसान? हाँ, हुजूर की आमद का जिक्र इंसान ही करते हैं, जानवर भी खुशियां मनाते हैं, बस एक ही है। मेरे इमाम ने बता दिया निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सब खुश हैं, बस शैतान ही खुश नहीं। देखो तीन मौके ऐसे आए कि शैतान रोया। कितने? तीन मौके ऐसे आए शैतान रोया, तबीयत से रोया। एक तो उस दिन रोया जिस दिन अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ को तौबा को कबूल कर लिया, उस दिन बहुत रोया। ये तो बड़ा दुख हुआ, बहुत रोया। हाँ मेरे अजीजो उस दिन बहुत रोया। और फिर एक दिन वो आया कि जब आमिना के लाल दुनिया में आए, तो उस दिन शैतान बहुत रोया, बहुत रोया। इसे डर था उस दिन रोने की वजह ये थी, जिन्हें मैं गुमराह कर रहा हूँ, जिन्हें मैं बहका रहा हूँ, जिन्हें मैं जहन्नमी बना रहा हूँ, ये शफाअत का मुज़दए जाफिजा इनको सुनाएंगे, इन गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल के जन्नती बना देंगे। तो हम इसीलिए तो कहते हैं तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए। तो शैतान रोया हुजूर की विलादत पर। पता लगा हुजूर की विलादत का मौका जब आता है ना, तो वो विलादत मुस्तफा का मौका ऐसा है कि आशिक खुश होते हैं, शैतान रोते हैं। कल अब्बा रोया, आज औलादें रो रही हैं। हम नबी की आमद पे खुशी मनाते हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाएं? हम सारे के सारे इंसान हैं। हमारे सीने में गोश्त का लोथड़ा है जिसे हम दिल कहते हैं। उस दिल में तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं, ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं। इंसान के सीने में दिल है, दिल में तमन्नाएं, आरजुएं, हसरतें, ख्वाहिशें। कोई दौलत को पसंद करता है,
कोई शोहरत को पसंद करता है, कोई इज्जत को पसंद करता है, कोई जाहो जलाल को पसंद करता है, कोई हुस्नो कमाल को पसंद करता है, मगर आशिक तो फकत आमिना के लाल को पसंद करता है। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरकार की आमद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। जल्दी सुने, हमारे सीने में दिल धड़कता है, इसमें ख्वाहिशें तमन्नाएं आरजूएं, हम हरीस हिरस रखते हैं। हिरस किस चीज की? माल की हिरस, दौलत की हिरस, जमीन की हिरस, प्लॉट की हिरस, मकान की हिरस, जायदाद की हिरस, इन चीजों की हिरस हमारे दिल में है। हर आदमी के दिल में कोई ना कोई हिरस किसी ना किसी चीज की है। हाय हाय, जहां दुनिया का हर इंसान हरीस है, हिरस रखता है दिल में। आओ मैं तुम्हें एक जात दिखाऊं, वो जात आमिना के लाल की जात है, मदीने के ताजदार की जात है। हम और तुम सारे इंसान हरीस हैं, हिरस रखते हैं, मगर मेरे आका की जात, कुरान कहता है कमली वाला भी हरीस है, सैयदुल अंबिया भी हरीस है, मगर सुनो इंसानों, तुम दौलत के हरीस, माल के हरीस, ताजो तख्त के हरीस, और आमिना का लाल तो गुनाहगारों की शफात का हरीस है। मुस्तफा तो गुनाहगारों की शफात की हिरस रखते हैं, गुनाहगार बख्शे जाए, गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए, गुनाहगार जन्नत में चले जाए। तो सुनो सुनो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए, आ गए, आ गए, किस शान से आए, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। रबीउल अव्वल पीर का दिन था, रब की रहमतों की जलवागरी हो रही थी, एक जात जिसे रब ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, गुनाहगारों के लिए रहमत बना के भेजा। आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, बहारें आ गई, फजाएं खुशबूदार हो गई, काबे की दीवारें झुक झुक के सलामी पेश करने लगी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर जगमगाने लगा, हजरत आमिना कहती हैं कमरा नूर से मुनव्वर हो गया, कहती हैं मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। शान ये, दुनिया में बच्चे पैदा होते हों तो उनका मामला ये कि गंदगी खिलाजत होती है, जहाँ पे बच्चे की विलादत होती है वहाँ पे गंदगी का माहौल होता है। हाँ मेरे अजीज, वो जो बराबरी करने की बात करते हैं ना, वो जो नबी से तकाबुल करते हैं ना, जब इनके घर में पैदा होते हैं बच्चे तो गंदगी, जब ये पैदा हुए तो गंदगी, ये गंदगी में पैदा होने वाला नबी से बराबरी करने चला है। हजरत आमिना नबी की अम्मी कहती हैं, जब मेरे लाल की विलादत हुई,
जब नबियों के ताजदार की विलादत हुई सारे कमरे में खुशबुएं फैल गईं। तेरे मेरे बच्चे पैदा हो तो गंदगी में, मगर मुस्तफा पैदा हुए नहाए हुए, गुस्ल दिए हुए, आमिना के लाल पैदा हुए तो शान ये। नबी की अम्मी कहती हैं मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। इस शान के साथ आए मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। हुजूर से प्यार करो, रब की रहमत है मुस्तफा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सबको जजाए खैर अता फरमाए। महफिल सजाई गई, अल्लाह ताला बानियान महफिल को जजाए खैर अता फरमाए। और मरहूम दराफ साहब, अल्लाह ताला